तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि अगर आप किसी के फ़ोन में ब्राउज़र पर जाके कुछ भी सर्च मारते हैं तो वो ये पता लगा सकता है कि आपने क्या सर्च किया। अदरवाइज़ जैसे कि आपका ये गूगल असिस्टेंट हो गया, और आपका ये जीमेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और गूगल मैप्स हो गया, और अदरवाइज यूट्यूब हो गया, तो आपने अब तक क्या सर्च मारा उसके फ़ोन में, क्या नहीं मारा सर्च, तो वो बड़ी आसानी से देख सकता था। लेकिन अब जो गूगल की अपडेट आई है, इस अपडेट के बाद कोई भी आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, जो आपने दूसरे के डिवाइस में सर्च किया, अब वो नहीं देख सकता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जाना है ब्राउज़र में, और आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, activity.google.com। ठीक है, यहाँ जाने के बाद एक मिनट, ये वेबसाइट सही से टाइप नहीं हुई, दोबारा करता हूँ, activity.google.com। मैं यहाँ पे सर्च मार देता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड ये आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, ये वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा मैनेज माई अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो अदरवाइज़, जैसे कि आपके फ़ोन में, या अदरवाइज़ आप किसी के दूसरे के फ़ोन में कुछ भी सर्च मारते हैं तो बड़ी आसानी से देख सकता है। लेकिन इस सेटिंग के बाद ना वो कुछ भी नहीं देख सकता, उसने मतलब आपने क्या सर्च मारा, क्या नहीं सर्च मारा, या अदरवाइज़ दूसरे के फ़ोन में और आपके फ़ोन में कोई कुछ सर्च मारता है तो आप नहीं देख पाएंगे। तो ये कैसे होगा, तो देख लीजिए आज की वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है मैनेज माई एक्टिविटी वेरिफिकेशन, तो मैंने इस पर क्लिक किया, बारीक से देखे तो इसमें ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, आपको इस पर करना है सेव। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। सेव करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे वेरीफाई लिखा हुआ, ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, मैंने पहले से वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मेरा पहले से वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, मेरा जो पासवर्ड है फिंगरप्रिंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या कंटिन्यू, तो यहाँ देखो मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मैंने फिंगरप्रिंट लगा रखा है, तो मैंने फिंगरप्रिंट पर कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू करने के बाद आगे का प्रोसेस देखो, बारीकी से देखे, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, अब जैसे कि आपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी आप यहाँ देख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उस यूज़र का पासवर्ड बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑटो डिलीट, यानी जो गूगल की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक, यानी 3 महीने और 18 महीने और 36 महीने, इन तीनों महीने का जो जितना भी डेटा होगा, 3 महीना, 18 महीना और 36 महीने का जो भी डेटा होगा, जो भी सर्च का डेटा होगा, वो गूगल ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा यहाँ पे। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये देखिए, ऑटो डिलीट ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो गया, मैं इसे कर दूंगा ऑन। ठीक है, ऑटो डिलीट एक्टिविटी ओल्डर देन 18 मंथ। ठीक है, तुम्हारे पास तमाम तरह के ऑप्शन आते हैं, 3 मंथ, 36 मंथ, तो ठीक है, जितने भी जो कोई सा आपको सेलेक्ट करना है, इन दोनों से एक करना था, मैंने यहाँ पर कर दिया 3 मंथ। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, बारीकी से देखें भाई। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड com.bbk.launcher। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे कर दिया कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यूज्ड व्हाट्सएप मैसेंजर। ठीक है, ये जो दिखा रहा है डेटा, ये अब नहीं दिखाएगा आने वाले से, अब जो ये सेटिंग होने के बाद। ठीक है, मैंने इसे कर दिया कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म होने के बाद यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ठीक है, ओके करने से पहले आपको ये लिखा हुआ वो पढ़ ले, यहाँ लिखा हुआ ऑटो डिलीटिंग योर वेब एंड ऐप एक्टिविटी ओल्डर देन 3 मंथ, योर एक्टिविटी ओल्डर देन 3 मंथ इज बींग परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नो लॉन्गर टाइड टू यू। ठीक है, तो यहाँ से करना कर दे ओके। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी एक्टिविटी जो है ओके हो चुकी है। फिर भी मन में आपके कोई सवाल हो, आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो। और इससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, आपको जो सर्च हिस्ट्री है कोई भी देख सकता था, लेकिन इस सेटिंग के बाद आप कोई नहीं देख सकता। ठीक है, अब जैसे मान चलो मैं यूट्यूब में ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब तक मैंने जो भी सर्च मारा होगा वो मैं यहाँ देख सकता था, बट अभी ऑप्शन नहीं है। गूगल के जो अपडेट आने के बाद अब मैं यहाँ से नहीं देख पाऊँगा सर्च हिस्ट्री। ठीक है,
पहले देख सकता था, लेकिन मेरे मोबाइल पे जिस किसी ने जो भी कुछ सर्च मारा होगा मैं यहाँ से अब नहीं देख सकता। बाकी यूट्यूब में, यूट्यूब की ये जो सेटिंग होने के बाद ये आपके फ़ोन में जल्द ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जल्द ही ये फंक्शन काम करने लगेगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पे कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा काम करता हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ गो टू योर गूगल अकाउंट, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। बारीकी से देखें भाई, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिमाग लगाया तब जाकर ढूंढा इसको। तो यहाँ लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, मैंने कर दिया गेट स्टार्टेड। यहाँ लिखा हुआ एवरीडे सेफ, एवरीडे गूगल प्रोडक्ट इज डिजाइनड फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ एवरीडे इज सफर विथ गूगल सिक्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा प्राइवेट वो दिखा रहा है फिंगरप्रिंट, यानी मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो ठीक है भाई, आप भी देख समझ चुके हो आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, यानी आपकी भी सर्च हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में कोई घर पे है, अगर उसने बाई चांस आपका फ़ोन ले लिया तो वो सब कुछ देख सकता था, लेकिन अब वो नहीं देख सकता। और ये जो रूल्स हैं ये लागू हो जाएंगे एक दो दिन में। बाकी आप ये सेटिंग बना के रखिए और ये जल्द ही चालू हो जाएगा ये सिस्टम। तो फ्रेंड, अगर फिर भी आपको मन में कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी मिलेगी, एक एक चीज़ बताई जाएगी यहाँ पे बारीकी से। तो नए आए हैं तो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक।